उचाणा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की विधानसभा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपना पहला कार्यालय खोला है। कैथल जिले के प्रभारी महेंद्र सिंह गोयल ने बताया कि इसके चलते राजनीति से परिवारवाद का सफाया होगा। उन्होंने कहा, इस हलके में आम आदमी पार्टी को ही टिकट मिलेगी। दुष्यंत चौटाला के उचाणा स्थित कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी ने अपना कार्यालय खोला है। दिल्ली से विधायक और आम आदमी पार्टी के जींद और कैथल जिले के प्रभारी गोयल ने देर रात 10:30 बजे इस कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जमे रहे। उचाणा अनाज मंडी के प्रधान रहे वीरेंद्र सिंह समेत कई लोगों ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। महेंद्र गोयल ने कहा, अब परिवारवाद की राजनीति का साफ करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, उचाणा विधानसभा में चौटाला और वीरेंद्र सिंह के परिवारों के कब्जे का सफाया आम आदमी पार्टी करेगी। आज इस सारे अपने आरे खड़े हैं, आज सब पे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आम आदमी पार्टी धन्यवाद। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई लाभ सिंह सिंधु जी पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी इतने रात को प्रोग्राम कर रही है, क्या मतलब मानते हैं, क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं आप में लंबे समय बाद इस तरह का माहौल रात को 10 बजे उद्घाटन समय कर कुछ भी नहीं है। लोग तो 1-1 बजे तक हम लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने घरों में बुला रहे हैं और ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, अपने गाँव के अंदर बुला रहे हैं और सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग हर रोज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए हरियाणा की राजनीति के अंदर। इन राजनीतिक पार्टियों ने आज तक हरियाणा के लोगों को लूटा, इसीलिए लोग ये देख रहे हैं कि जब दिल्ली में काम होते हैं, पंजाब में काम हो रहे हैं, तो हरियाणा में भी हमें वो काम चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी का ये आगाज़ हुआ है और हरियाणा प्रदेश बदलने जा रहा है। मैं किसी के बारे में किसी के नाम से कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं आपको साफ शब्दों के अंदर कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में लगेगा कि अरविंद केजरीवाल के पैमाने के ऊपर वो आदमी फिट बैठ रहा है, आम आदमी पार्टी के नियमों के अनुसार वो आदमी काम कर रहा है, तो उन आदमियों का स्वागत है। किसी ऐसे आदमी का कोई स्वागत नहीं है जो किसी भी नशे के अंदर रहता हो या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहता हो, ऐसे आदमियों के हमारे पास में कोई स्वागत नहीं। मैं किसी के बारे में किसी के नाम से कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं आपको साफ शब्दों के अंदर कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में लगेगा कि अरविंद केजरीवाल के पैमाने के ऊपर वो आदमी फिट बैठ रहा है, आम आदमी पार्टी के नियमों के अनुसार वो आदमी काम कर रहा है, तो उन आदमियों का स्वागत है। किसी ऐसे आदमी का कोई स्वागत नहीं है जो किसी भी नशे के अंदर रहता हो या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहता हो, ऐसे आदमियों के हमारे पास में कोई स्वागत नहीं चाहिए। युवाओं को नौकरी चाहिए जिनके वो हकदार हैं, नशे से हरियाणा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैर नशे बहुत बिक रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भी पाबंदी लगाई है, हम पंजाब के अंदर भी ये काम करने जा रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी यही हम काम कर रहे हैं।